हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो जैसा कि मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि आपके पास जो भी स्टूडेंट पीएचडी करना चाहते हैं उनके पास एक मेजर मौका था। आपकी चार यूनिवर्सिटी का एक कॉमन पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म्स आए थे जिसमें आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, ये सब यूनिवर्सिटी इंक्लूडेड थी। प्लस इसके बारे में हमने बात भी की थी, सिलेबस की भी बात की थी, सोशियोलॉजी की। आपको पेपर का पैटर्न मैंने पहले भी बताया है। एंड अगर आप यहां तक पहुंचे हैं, आपने फॉर्म भरा है, तो आप सबको पता होगा कि आपका हाफ पार्ट जो है वो रिसर्च का यहाँ पे रहने वाला है, रिसर्च मेथोडोलॉजी। एंड हाफ ऑफ द पोर्शन जो है वो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड रहेगा, दैट इज हम बात करें तो सोशियोलॉजी का रहेगा, जिसके लिए मैंने 5000 एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की थी, जो कि किसी रीजन की वजह से बीच में अभी स्टॉप हो गई थी। बट अभी आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है। आपका जो पीएचडी का एग्जाम है वो है 26 अक्टूबर को। पीएचडी के जो एग्जाम की बात की जा रही है, शिफ्ट फर्स्ट में आपका पीएचडी का एग्जाम है एंड वो 26 अक्टूबर को एग्जाम है। तो अब एक मोटिवेशन मिल गई है, लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करना है। आज 22 है, अराउंड एक मंथ बचा है। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम टाइम वेस्ट करें, और इतना भी टाइम नहीं है कि चार अलग अलग सोर्सेस बुक उठाएं और 700-800 पन्नों के हम लोग नोट्स उठाएं और उनको खत्म करें। तो व्हाट टू डू, अब आप लोग काफी कुछ ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बस जो भी चीज पढ़ी है उसको रिविजन करने का टाइम आ चुका है। और किसी भी चीज की रिविजन किस तरीके से होती है, जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो एमसीक्यू बेस्ड आते हैं, तो हमें भी एमसीक्यू बेस्ड सीधा वन वर्ड वन लाइनर में टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है, राइट। जिस तरीके से जैसे आपसे पूछा जाए कि थ्योरी ऑफ सुसाइड इज गिवन बाय एमिली डर्केम, डायरेक्ट आंसर। एलिनिएशन की थ्योरी किसने दी, डायरेक्ट आंसर आना चाहिए कार्ल मार्क्स। ऑर्गेनिक एनालॉजी की बात किसने की है, हार्बर्ट स्पेंसर। चार्ल्स डार्विन की आप बुक का नाम बताइए या कॉन्सेप्ट जो उनसे हार्बर्ट स्पेंसर ने बोरो करा, दैट इज सर्वाइवल टू द फिटेस्ट। ये सब तरीके से क्वेश्चन हम, फादर ऑफ फंक्शनलिज्म, फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, ये अर्बन सोशियोलॉजी के फादर कौन है, कौन सी बुक किसने लिखी है, किस ईयर में लिखी है, कौन सा कंसेप्ट किसने दिया है, उस कंसेप्ट की डिटेलिंग अगर है तो उसके क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में किस तरीके से आ सकते हैं। देखिए, ये एग्जाम आप लोगों का आने वाला है एंड आने वाले मंथ में दिसंबर में नेट एग्जाम भी आने वाला है, तो दो मेजर सोशियोलॉजी रिलेटेड एग्जाम हमारे बिल्कुल सामने है और ये मौका हम लोग हाथ से जाने नहीं दे सकते, बिकॉज एक तैयारी से आप दो एग्जाम को टारगेट कर पा रहे हो। और कुछ टाइम बाद गेट का एग्जाम फॉर्म भी आ जाएंगे फरवरी में, दिसंबर में जैसे ही इनसे आप फ्री होंगे तो गेट के फॉर्म आपके बीच में आ जाएंगे और वो एग्जाम भी हमारा हो जाएगा। तो अभी आपके पास बैक टू बैक एग्जाम आ रहे हैं, तो रेस्ट करने का, बैठने का टाइम नहीं है। उठिए, थोड़ा सा एफर्ट लगाइए, दिन रात एक कीजिए, जितना भी टाइम है, वर्किंग है तो जो टाइम बचता है उसमें बस एमसीक्यू 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 इनको रिवाइज कर लीजिए और एमसीक्यू के थ्रू कंसेप्ट को समझिए, जिससे कि हम लोग एग्जाम में बेटर कर पाए। सो या, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेंशन कर सकते हैं। इफ यू वांट मी टू कवर एनीथिंग, कोई को पेपर है, कुछ कॉन्सेप्ट है, आप चाहते हैं कि मैं उसे पहले कवर करूं, तो आप मुझे बता सकते हैं। रेस्ट हम रिज्यूम कर देते हैं उन 5000 एमसीक्यू की सीरीज को, और इसे एक महीने में जी जान लगा के वो 5000 एमसीक्यू हम लोग कवर करेंगे, यानी कि उन 5000 कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स पे हम लोग बात करेंगे। वो 5000 हमारे हैं कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स, क्योंकि फैक्ट्स से भी क्वेश्चन आते हैं इस एग्जाम में, तो दोनों चीजें हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स रेडी फॉर दैट एंड वील कवर दैट कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट। तो कोई भी डाउट है किसी भी कॉन्सेप्ट, इफ यू वांट मी टू कवर दैट कॉन्सेप्ट फर्स्ट, इसको पहले कवर कराइए, तो वो भी हम लोग साथ में लेके चलेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।